हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय महाकाल। तो आप लोग फिर स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर में किसी भी स्पीकर को बड़ी आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना होगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्पीकर रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्पीकर ले लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक 8 इंच का स्पीकर ले लिया है। और दोस्तों, स्पीकर लेने के बाद सबसे पहले हमें उसके जितने भी ओल्ड पार्ट्स हैं उन सबको निकाल लेना बड़ी सावधानी से। जैसे कि मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, सबसे पहले आपको इसका पेपर कैप निकाल, उसका इस पर जो पेपर कोन लगा हुआ है उसे निकाल लें। देखिए बड़ी सावधानी से जिस प्रकार से मैं निकाल रहा हूँ। अगर ऊपर से नहीं निकाल तो आपको नीचे से उंगली से पुश करके इसका पेपर कोन निकालना है। तो दोस्तों, स्पीकर पूरा मटेरियल निकालने के बाद हमें स्पीकर को इस प्रकार से देखने लगेगा। और अब हमें इसको रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए एक कॉइल, एक पेपर कोन, एक स्पाइडर और एक कैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, स्पीकर रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें इस पर कॉइल को लगाना पड़ेगा। तो कॉइल को लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाइंडिंग पेपर लेना है, और जिस तरह हमें कॉइल लगा उस तरह हमें बाइंडिंग पेपर को बैठा लेना है। एकदम नीचे तक हमें पूरे बाइंडिंग पेपर को बैठा लेना है। उसके बाद हमें कॉइल को लेना है और कॉइल को बाइंडिंग पेपर के ऊपर से बिठाना है। और उसके लिए हमें जो वायर है वो जिस साइड हम कनेक्ट करेंगे उस साइड उसके वायर रखना है। और बाइंडिंग पेपर हमें हाफ बाइंडिंग वाला लेना है जो पूरा कवर ना करे होल को। इस प्रकार से हमें कॉइल को बिठाना है उसमें, और इस प्रकार से कुछ हमें चारों तरफ से कॉइल को बिठा लें। जब आप दोस्तों कॉइल को बिठा लेने के बाद जिस साइड कॉइल की जॉइंट रहती है आपको उस साइड फोकस करना है। और आपको देखना है कि यहाँ पर जहाँ ये कॉइल का जॉइंट है वहाँ पर अंदर साइड को ये चार बार कॉइल के बाहर निकले रहना चाहिए। तो आपकी कॉइल एकदम परफेक्ट बैठी रहेगी। और चाहता हूँ देखने की कॉइल एकदम परफेक्ट बैठी है कि नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके जिस प्रकार से अंदर। तो दोस्तों, कॉइल को फिक्स करने के बाद हमें स्पीकर का स्पाइडर ले लेना है, और उस पर हमें कुछ इस प्रकार से चारों तरफ ग्लू लगा लेना है। ग्लू लगा लेने के बाद हमें स्पाइडर को कॉइल के ऊपर से प्रकार से घुमाते हुए फिक्स करना, ताकि कॉइल भी ना हिले और हमारा स्पाइडर भी फिक्स हो जाए। स्पाइडर फिक्स करने के बाद हमें उसके चारों तरफ से उसके ऊपर से भी ग्लू डाल देना, ताकि वह इस पर और अच्छे से चिपक जाए और चलते टाइम बाहर निकले ना। चारों तरफ से ग्लू लगा लेने के बाद अब हम कॉइल के साथ हम स्पाइडर को भी अटैच कर देंगे, ताकि वो भी अच्छे से चिपक जाए। ऐसे घुमाते हुए हमें इसको अटैच करना है। ये बड़ा ही सिंपल काम है, लेकिन सावधानी के साथ भी करना है। तो दोस्तों, स्पाइडर को चिपकाने के बाद हमें स्प्रे पेपर कॉन को चिपकाते उसके सबसे पहले हमें ग्लू को लेना, ग्लू को स्पीकर के ऊपर कॉनों में चारों तरफ अच्छे से लगा लेना है। तो इस प्रकार से आपको ग्लू लगा चारों तरफ ऐसे फैलाते हुए, उसके बाद हमें पेपर कॉन को लेना है और उसके ऊपर हमें इस प्रकार से ऐसे घुमाते हुए कॉइल के ऊपर हमें बिठाना है पेपर कॉर्न को इस प्रकार से घुमाते हैं। और उसके बाद हमें चारों कॉर्न से इसको अच्छे से प्रेस करके इस प्रकार से इसे चिपकाना है। इसे दोस्तों स्पीकर का पर्दा भी बोलते हैं कई जगह में, और पेपर कॉर्न भी बोला जाता है। ऑनलाइन सर्च करेंगे तो सिर्फ पेपर कॉर्न बोला जाएगा, और मार्केट में आप इसे स्पीकर का पर्दा बोल सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा बेस चाहिए तो आप एक्स्ट्रा बेस के लिए सिंगल कोन का ही पेपर कॉन लेके आए, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे, ये सिंगल कोन वाला है। तो दोस्तों, स्पीकर को चारों कॉन चिपकाने के बाद अब हमें इसे अंदर से भी कॉइल के साथ चिपका लेना है। तो दोस्तों, चिपकाने के बाद हमें इस पर स्पीकर के कॉइल का कनेक्शन करना। तो स्पीकर के कॉइल कनेक्शन करने के लिए इसकी पेपर कॉन पर दो होल कर लेना है पिन की मदद से। और दोस्तों, होल करने के बाद हमें सीजर्स की मदद से इसके होल को थोड़ा और बड़ा करना है, ताकि हम इसके अंदर से कॉपर वायर को बाहर निकाल सकें। और दोस्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब आप इस पर होल करेंगे तो आपको होल उसी साइड करना जिस साइड से आप इस पर मेन सप्लाई देंगे एम्पलीफायर की। तो दोस्तों, इस पर कॉपर वायर लगाने के बाद हमें इस पर कॉइल के कनेक्शन कर लेना है। कॉपर वायर के साथ हमें कॉइल वायर को अटैच कर लेना है, और सोल्डरिंग आयरन की वजह से इसको सोल्डर कर लेना है।
ताकि यह म्यूज़िक प्ले करते टाइम टूटे ना और निकले ना, हमें बड़ी अच्छे से इसको लगा लेना इसके वायर को। तो दोस्तों मैं स्पीकर के आउटसाइड में भी कॉपर वायर का कनेक्शन कर लिया है और सप्लाई के लिए भी मैंने यहाँ पे दो वायरों का कनेक्शन कर लिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो इसमें जो रेड कलर वाला है वह पॉजिटिव का और जो ग्रीन कलर का है वह नेगेटिव का वायर है। आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोगों को भी कुछ प्रकार से कनेक्शन कर लेना है। उसके बाद हमें इस स्पीकर को कैबिनेट पर फंसा लेना, मैंने भी यहाँ कैबिनेट पर उसको फंसा लिया है। उसके बाद हमें डस्ट कैप लेना और डस्ट कैप के चारों में कुछ प्रकार से ग्लू लगाना है। और ग्लू लगा लेने के बाद अब हमें इसे बड़ी सावधानी से स्पीकर के ऊपर चिपकाना है और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चिपकाते टाइम इसका जो ग्लू है वह कहीं और ना लगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसके ऊपर चिपकाना है। तो हमारी जो डस्ट कैप स्पीकर के ऊपर कुछ प्रकार लगाने के बाद हमारा स्पीकर बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे इस पर म्यूज़िक बजा के चेक कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन को सेट कर दीजिएगा ताकि आपको मैं ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो तकलीफ जैसी।